तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ गोरखपुर के महंत और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर और विनम्र अनुरोध है कि अपने अनमोल वचनों से विचार प्रकट करें। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कानपुर और बिठूर के विभिन्न घाटों के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री परम सम्माननीय श्री नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, कानपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी, केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, कानपुर की कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय जल संसाधन सचिव श्री यूपी सिंह जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अरुण पाठक जी, विधायक माननीय विधायकगण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सांगा जी, महेश भगवती सागर जी, बाबूराम निषाद जी, सुरेंद्र मैथानी जी, सुशील कटियार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कानपुर से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कानपुर और बिठूर के घाटों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं माननीय गडकरी जी का और उनके साथ आए हुए विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, यहां के स्थानीय सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय गडकरी जी को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि जनवरी 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है। कुंभ का आयोजन ऐतिहासिक हो, भव्य हो, दिव्य हो, इसके लिए गंगा की पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसकी अविरलता अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मैंने प्रदेश सरकार के अपने सभी अधिकारियों के सामने एक डेडलाइन घोषित की है कि 15 दिसंबर से गंगा जी में कोई भी गंदा नाला नहीं जाएगा। 15 दिसंबर तक जितनी भी एसटीपी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पूर्ण हो सकती है उन्हें 15 दिसंबर तक पूर्ण करना और जो शेष बस्ती हैं वहां पर बायो रिमिडेशन विधि को लागू करते हुए या अन्य जो भी आवश्यक उपाय हैं उनको लागू करते हुए हर हाल में बिजनौर से बलिया तक पवित्र गंगा नदी में जितने भी ऐसे नाले बहते हों उनको हर हाल में उनकी शुद्धिकरण की कार्रवाई अभी से वे तैयारी कर लें और 15 दिसंबर के बाद यह मुझे कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि गंगा जी में कहीं पर कोई गंगा नाला बह रहा है। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह एक जीवन का मिशन भी है
और हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी और गंगा राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण और नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना 2500 किलोमीटर की गंगा की इस धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उपलब्ध कराई है। एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है। आप सोचिए कि आज हम हजारों वर्षों के बाद महाराज भगीरथ को याद करते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि अपने पूर्वजों की इस धरोहर को सुरक्षित रखें, उसको संरक्षित करें, उसको क्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें, और कम से कम अगर हम कोई अन्य उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गंगा जी को और अपनी पवित्र नदियों को कहीं अपवित्र तो न करें। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने इस दिशा में अपने पूरे संकल्प के साथ हम जुड़े हैं। युद्ध स्तर पर उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही कहा जा चुका है और हर हाल में इस कार्य को पूरा होना है, क्योंकि कुंभ का पहला स्नान 15 जनवरी को प्रयागराज में होगा। देश और दुनिया के करोड़ों की संख्या में वहां पर धर्माचार्य गण आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, अतिथि गण आएंगे, उन सब के स्वागत के लिए उस प्रकार की व्यवस्था हम सब के पास होगी। इस जिससे हम सब इस संकल्प के साथ बंधे हैं और प्राणपण से इस पूरी परियोजना को समयबद्ध ढंग से हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। गंगा की अविरलता आज भी हम सबके लिए चुनौती है। माननीय जोशी जी कह रहे थे कि हरिद्वार में जब भीम घोड़ा के बाद समाते हैं, गंगा की एक धारा को वहां से गंग नहर के रूप में निकाल दिया जाता है। ऐसे आते आते यह रुड़की के बाद तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। और मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करूंगा, हम लोगों ने अगले वर्ष के लिए एक बड़ा प्लान तय किया है कि अगर गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है तो हमें गंगा की मूल धारा को यथावत बनाए रखते हुए उस पर कार्य करना होगा। और इससे आवश्यक है कि गंगा और यमुना के दोनों तटों पर भारी पैमाने पर हर एक किलोमीटर पर एक एक बड़े तालाब का निर्माण करवा करके हम बरसात के जल का संचयन उस पर करें, जल स्तर को उन क्षेत्रों में ऊंचा कराने का कार्य करें, व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो गंगा हरितमा अभियान के अंतर्गत चल भी रहा है, इस अभियान को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब जल स्तर भूगर्भीय जल पर्याप्त मात्रा में रहेगा, लोगों के पास ऑप्शन होंगे, तो गंगा की जो मूल धारा हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इधर उधर भेजने का कार्य नहरों के माध्यम से करते हैं, हम गंगा की उस धारा को पूरी अविरलता के साथ बनाए रखने में सफल होंगे। और गंगा अविरल हुई तो गंगा निर्मल भी होगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जब एक साथ प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी इस पवित्र अभियान के साथ लगे हैं, तो मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर प्रदेश की भूमि को दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बनाने में गंगा, यमुना और यहां पर बहने वाली इन पवित्र नदियों ने अपना योगदान दिया है। इन्होंने इस क्षेत्र की धरती को केवल अन्न ही नहीं सोना उगलने की क्षमता दी है। तो स्वाभाविक रूप से हैं आज के सौ से एक बार पुनः मैं कानपुर और बिठूर के नमामि गंगे परियोजना में निर्मित घाटों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यहां के नागरिकों को बधाई देता हूं। यहां के हमारे माननीय दोनों सांसद, माननीय विधायकगण, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को और कानपुर वासियों को मैं हृदय से
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के गंगा की पवित्रता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।